दोस्तों, जो यहाँ पर आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की फॉर्म से रिलेटेड करेक्शन की प्रोसेस आई है, उसके रिलेटेड मेरे पास काफी सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे हैं कि भैया यहाँ पर जो करेक्शन की प्रोसेस आई है उसमें मैंने यहाँ पर लॉगिन वगैरह कर लिया था और मुझे जबकि करेक्शन वगैरह नहीं करना था, अब यहाँ पर आखिरी मेरे सामने फीस वगैरह कटवाने का ऑप्शन आ रहा है, अब मैंने फीस वगैरह नहीं कटवाई है तो क्या मेरा पुराना वाला फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा या फिर नहीं होगा? तो इससे रिलेटेड दोस्तों जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ भैया, 15 तारीख से करेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल हुआ था जो कि 24 तारीख तक चलने वाला है, तो इस बीच में आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन में भी क्रिएट एन अकाउंट में जितने भी ऑप्शन आ रहे थे उनमें आप करेक्शन वगैरह नहीं कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने करेक्शन की पूरी प्रोसेस बता रखी थी कि क्या क्या चीजों में आप करेक्शन कर सकते हैं और क्या क्या चीजों में आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे, जो कि मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। लेकिन दोस्तों, जो लोग मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ रहे हैं उन्हीं वीडियोस के नीचे कि भैया मैंने यहाँ पर करेक्शन की प्रोसेस के लिए लॉगिन कर लिया था लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मुझे अपने फॉर्म में करेक्शन ही नहीं करना था, और जब मैं आखिरी स्टेप पर पहुंचा तो वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, अब मैं बैक भी नहीं जा पा रहा हूं और पेमेंट करना ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे अपने फॉर्म में करेक्शन ही नहीं करना है। तो अगर मैं पेमेंट वगैरह नहीं करता हूं तो क्या मेरा फॉर्म पुराना वाला जो मैंने फिल किया था वो रिजेक्ट हो जाएगा? तो दोस्तों, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पेमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पहले वाला फॉर्म फिल है वो आपका फिल ही रहने वाला है और वो आपका सबमिट हो चुका है। अगर आपको अपने फॉर्म में करेक्शन नहीं करना है और फिर भी आपने लॉगिन वगैरह करके वहां पर आगे स्टेप पर बढ़ चुके हैं, करेक्शन से रिलेटेड जानकारी वगैरह फिल कर चुके हैं या फिर अब अगले स्टेप पर बढ़ चुके हैं और फीस वाले स्टेप पर आप रह गए हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फीस वगैरह नहीं कटवानी, वहीं पर छोड़ दीजिए फॉर्म को, आपका जो पुराना फिल हुआ फॉर्म है वही मान्य किया जाएगा और वही मान्य होने वाला है, उसी में जो आपने डिटेल्स वगैरह फिल करी है वही आगे चल के वैलिड होंगी। तो अगर आपको अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह नहीं करना है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इतनी सी जानकारी थी दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सपोर्ट वगैरह मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अगर आप करेक्शन से रिलेटेड प्रोसेस देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी ये वाली वीडियो बना रखी है जहां पर मैंने डिटेल में बता रखा है क्या क्या चीजें आप करेक्शन कर सकते हैं, कैसे कैसे आपको करेक्शन करना है। और हाँ, अगर आपको इसमें फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।